अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल फैमिली कहाँ है, बहुत दिनों के बाद मैं हाजिर हूँ आपके लिए और मीठी मीठी डिश बनाऊंगी और स्वीट डिश बना रही हूँ आपके लिए। फुगारी का मीठा है ये और मैं कस्टर्ड बनाऊंगी, इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं और परदूध से और कस्टर्ड से, वनीला कस्टर्ड से बनाऊंगी मैं। और ये खुबानी का मीट, खुबानी है ये। आपका पानी डालूंगी फिर इसके अंदर खुबानी डालूंगी और फिर इसको कुकर लगा दूंगी, दो या तीन सीटी आएगी इसके अंदर और ये तैयार हो जाएगी, गल जाएगी। फिर इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। ये मैंने इस खुबानी को धोया है, इसको धोना चाहिए क्योंकि इधर उधर पुरानी इधर उधर रखी हुई होती है, जिससे अच्छी तरह धो के छन्नी में मैंने इसको डाल दिया है। अभी मैं खुबानी इसके अंदर डाल दूँगी, इसको कुकर लगा दूँगी सिर्फ एक 10-15 मिनट के बाद। जब दो तीन सीटी बज जाएंगे समझ लें आपकी खुबानी तैयार हो गई है। ये देखें कितनी डूबी हुई है, ये भी देख लें आप। इसको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसको फिर सुखाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखें आपके सामने, मैं कुकर लगा रही हूँ और जब तक ये तैयार होगी उस वक्त तक फिर मैं कस्टर्ड बनाऊँगी। 1.5 किलो दूध है ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये बॉइल अच्छा उबल जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी जो कि मैंने पहले से घोल के रखा हुआ है। ये देखें आपके सामने 1.5 किलो दूध है और मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा दूध रखूँगी ताकि फिर मैं इसके अंदर कस्टर्ड डालूँगी, तो कस्टर्ड घोल के भी ये देखें आपके सामने ये दूध मैंने इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करूँगी। जब ये बॉइल हो जाएगा तो फिर कस्टर्ड डालूँगी, जो खोला हुआ कस्टर्ड होगा वो मैं इसमें शामिल करूँगी। हम कभी भी कस्टर्ड को दूध में डाल के नहीं इस्तेमाल करते हैं, हमेशा कस्टर्ड जो है अलग से घोल के उसमें डाला जाता है ना। ये वैसा से तैयार करूँगी, इसको हल कर दिया। ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल ही अच्छी तरह हल हो जाए वरना फिर उसमें गुटलियाँ बन जाएंगी कस्टर्ड के अंदर। कस्टर्ड जो है हमेशा बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल, मैंने इसको हर अच्छी तरीके से इसको हल कर लिया है। ये मीठा वैसे बहुत आसान होता है बनाना क्योंकि ये सिर्फ गलने की बात है और गलने के बाद ही बिल्कुल आप देखें सिर्फ वनीला कस्टर्ड का कलर भी देखें, या आप जो है मैंगो या कोई स्ट्रॉबेरी और बनाना ये सब इसके अंदर नहीं चलता है। ये जो खुबानी का मीठा होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ वनीला कस्टर्ड चलता है। ये मैंने अच्छी तरह बॉइल हो गया, मैं इसके अंदर कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। जब कस्टर्ड शामिल कर लूँगी जब ठीक हो जाएगा फिर इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल करूँगी। ये देखें आपके सामने, इसे जल्दी जल्दी ऐसे चलाना है ताकि ये इसमें ये देखें इसमें गुटलियाँ नहीं बननी चाहिए बिल्कुल, छोटे छोटे जो आपके सामने गुटलियाँ नहीं बननी, अभी ठीक होने वाला है थोड़ी देर में ठीक हो जाए, तो ये पकेगा फिर ठीक हो जाए। ये 1.5 किलो दूध है तो इसके अंदर ये 3 चम्मच चीनी शुगर के जाएंगे। ये चावल निकालने वाला चम्मच है क्योंकि इस मीठे के अंदर जो कस्टर्ड बनता है उसके अंदर बिल्कुल चीनी कम है, मैंने कुकर लगाया है कोई बात नहीं, बस ठीक होने वाला क्योंकि वैसे भी ये ठंडा होकर बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है ना। ये देखें ये ठंडा जब होगा तो ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा, अभी कितना ठीक हो रहा है, ये जब ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही ठीक हो जाएगा। हम समझ रहे थे शायद ठीक नहीं होगा कि बल्कि अभी ठंडा जब होगा जब हम गार्निश करेंगे, क्योंकि पहले खुबानी का मीठा डालते हैं उसके अंदर तो फिर ये इसको ऐसे ही गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि वो डालने की वजह से थोड़ा सा पतला महसूस होता है। हम इसमें ऑलपर की क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें ऑलपर की क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल तैयार है, देखने वालों को मैं कह ये देखें बिल्कुल तैयार है, ये डन हो गया है हमारी कस्टर्ड बिल्कुल डन हो गया। फिर हम इसमें थोड़ा सा क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया है बस हम डन हो गए। अब इसका हवा निकल जाए हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। जब हम चीनी शामिल करेंगे तो ये थोड़ी सी देर बाद इंशाल्लाह ठंडी हो जाएगी क्योंकि हमें इसमें से बीज भी निकालने हैं, ये जो खुबानी के बीज होते हैं जिसको बादाम कहते हैं वो भी निकालने हैं। ये देखें आपको कैसे दिखाऊं मैं, इसमें एक आध बादाम नज़र आए तो दिखा दो बेटा,
ये देखिए ये है ना, ये सब बादाम, ये सब निकाल रही हूँ वरना तो वो मुँह में आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ, शामिल सारी शुगर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी रोक रही हूँ, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे इसमें एक किलो, अगर एक किलो कुबानी है तो एक किलो जाएगी। ये बेटा देखा, ज़्यादा पुरानी नहीं है ना कुबानी, वैसे कहते हैं कि लोग ज़्यादा पुरानी कुबानी हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई कुबानी है, तो इसका कलर भी आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, वरना तो डार्क कलर होता है इसका मीठे का। ये देखिए, अब हम इसका इंतज़ार करेंगे थोड़ी सी देर ठंडा हो जाए, इसके बीज निकाल के इसको पकाएंगे ताकि ये चीनी पक जाए। और चीनी इसका तो कैसे तो मेल्ट हो गई है ना, क्योंकि गरम गरम था ना इसलिए। ये देखिए, मैंने इसके अंदर से बीज सारे निकाल लिए जो बादाम होते हैं इसके कुबानी के, देखिए सारे निकाल दिए। अच्छा, थोड़ा सा कलर इसका इस तरह से क्यों है, क्योंकि वैसे थोड़ा ये डार्क कलर का होता है, क्योंकि बिल्कुल नई कुबानी है ये। मेरा ख्याल है जो पिछली गर्मियाँ गुजरी हैं उसकी कुबानी है। अगर एक दो साल पुरानी कुबानी है उसका कलर डार्क होता है, जैसे डार्क चॉकलेटी कलर, उससे थोड़ा कम ऐसे होता है। ये देखें आप, ना हमने इसको कोई ग्राइंड किया ना कुछ किया, जब हमने सही निकाला बादाम उसके निकाल लिए जो इसके बीज होते हैं, उसके बाद ये सारा, ये देखें ये एक किलो कुबानी है, इसके अंदर एक किलो पूरी चीनी है। तो फिर मैं इसको गार्निश कर दूंगी, बस बच गई मैं कस्टर्ड के साथ, क्रीम के साथ है, फिर गार्निश करेंगे। इंतजार करूंगी ठंडा हो जाए थोड़ा। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मुझे आप कमेंट में बता दें, जो समझ में नहीं आया। ये देखिए, हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। ये देखें आपके सामने, मैंने इसको डिश में, क्योंकि गार्निश तो करनी पड़ती है ना, अगर आप किसी दावत वगैरह में हो कुछ हो तो आप गार्निश, अगर कोई परेशानी हो, कोई आपकी बात समझ ना आए तो फिर मुझे पूछ लें भाई, क्योंकि इसकी एक लेयर जो है, ये देखें सामने कस्टर्ड भी डाल रही हूँ मैं। अगर चाहें आप इसकी दो लेयर भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं और चार भी बना सकते हैं, जैसा मर्जी चाहे। अगर शीशे वाली डिश हो और आपको खूबसूरत सा दिखाना हो तो आप उसकी लेयर जितनी मर्जी चाहे बना लें। वैसे तीन बना, थोड़ा सा स्पैचुलर से थोड़ा सा इसको बराबर कर देंगे ना, ताकि ये देखें ये स्पेशलर से ना बराबर कर देंगे इसको, और टिश्यू पेपर से ना थोड़ा सा फोन देंगे। वाह, मच्छी की खुशबू क्यों आ रही है। अच्छा, मेरी बहन जो है जब मेरी वीडियोस देखती है तो बड़े कमेंट करती है, क्योंकि वो भी तो पकाने में माहिर है, लेकिन बेचारी अल्लाह उसके लिए, बस अल्लाह में उसके लिए सेहत मिल जाए उसको, तो दुआ कर दी। सही है, अभी हम ज़रा थोड़ा सा मैंने ठंडी होने के लिए रखी है क्रीम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि वो गर्म हो रही थी। गर्म क्या हो रही थी, मतलब बाहर रखने से बहुत अजीब सी लग रही थी मुझे। जब आप खाओगे बहुत मज़ा आएगा आपको, ये जो अगर मीठा खाने वाले होंगे तो उनको ये डिश बहुत अच्छी पसंद आएगी। अभी भी बेटा सादा वो नहीं हुई है ना इतनी ज़्यादा, मीठा बन रहा है इतने ज़्यादा नहीं। ये देखिए, क्योंकि कल हमारे यहाँ दावत है तो मुझे पहले से बनाना था, मैंने कहा चलें वीडियो भी बना लेती हूँ। बेटा क्रीम वैसे मैंने देखा बहुत वो नहीं हुई है, ठीक नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत गर्म थी ना, ठंडी भी नहीं हुई इतनी ज़्यादा, कि मुझे वीडियो वाइंड अप करना है तो लिहाजा मुझे जल्दी जल्दी निकालना था। ये अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर कुछ और इसमें आपको समझना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, अपने वालदैन का ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।